कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर सोमवार को भी देखने को मिला। महानगर की सभी दुकानें बंद रही तथा विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा, जिसमें विश्वविद्यालय रोड, गोरखपुर क्लब रोड, कचहरी बस स्टेशन रोड, हरिओम नगर छात्र संघ चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के पालन के लिए जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। चौकी इंचार्ज और सभी सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। बैरियर की चेकिंग ऐप के द्वारा की जा रही है। अनावश्यक घूमने वालों की जानकारी ऐप के माध्यम से मिल जाती है और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, रात्रि कर्फ्यू जो है 10 बजे से लागू है और इसके लिए अलग अलग बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं जिसकी चेकिंग की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर मिलता है 10 बजे के बाद तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाती है। गाड़ियों के सीजर की भी कार्रवाई की जा रही है और इसको बैरियर चेकिंग ऐप जो बनाया गया है कोविड बैरियर ऐप उस पर भी इसके लॉगिन किया जा रहा है और लोगों द्वारा एंट्री की जा रही है। जो भी व्यक्ति है अगर वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं इसके बारे में जानकारी उस पर डाला जा सकता है और उसकी मदद भी की जाती है। इसके अतिरिक्त जनता से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अपने कार्यों को समाप्त करके अपनी दुकानों को बंद करके इस तरह से घर वापस जाएं कि 10 बजे के पहले ही अपने अपने घरों में चले जाएं ताकि उसके बाद रात्रि कर्फ्यू का पालन कराया जा सके।